एक हिस्सा हमने ये किया है कि अयोध्या में हर साल रामलीला जो वो एक तो स्थानीय उनकी होती है, एक उनका बाहर से आए हुए जो मंडलियां हैं वो रामलीला दिखाती हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किस्म की जो रामलीला है वो भी दिखाई जाती है, जिसमें इंडोनेशिया, रूस, बेलारूस, जहाँ जहाँ भी इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, या इवन इंडोनेशिया में तो लोकल भी वो रामलीला मनाते हैं। तो इसी तरह से राष्ट्रीय देश की अलग अलग हिस्सों से वहाँ पे जो राज्य हैं वो रामलीला दिखाते हैं। तो इस बार हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका भी आयोजन किया है कि वो अयोध्या में जाके अपनी रामलीला जो है यहाँ का जो दिखाने का तरीका है, यहाँ का जो आर्ट है, उसको भी वहाँ पे डिस्प्ले किया जा सके। कि ऐसे तो कहते हैं कि होवत वही जो राम रची राखा, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्वजों का जो सपना था कि रामचरितमानस खेलने का, तो उसको एक और नया वो मिलेगा, आयाम मिलेगा। भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में और हमें मौका मिल रहा है रामचरितमानस मंचन का, और हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अयोध्या में जो मेरे अपने पर्सनल लिंक से उनको यूज़ करते हुए J&K पुलिस जो है उसने ये ऑर्गेनाइज़ किया कि J&K को भी एक बार मौका मिले अयोध्या में रामलीला अपनी दिखाने का। अयोध्या एक ऐसा रामलीला का सेंटर है, यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो रामलीला मंडलियाँ हैं वो अपना डिस्प्ले करती हैं हर साल। लेकिन J&K की किसी भी मंडली ने अभी तक रामलीला अयोध्या में नहीं दिखाई थी। इस अपॉर्चुनिटी को हमने अवेल करवाया अपनी डिस्ट्रिक्ट रियासी की मंडली के लिए, और मैं ये भी एश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर उनको किसी रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट्यूम, किसी चीज़ की कमी होगी वो भी हम पूरी कराएंगे। और हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी की रामलीला जो है फर्स्ट टाइम J&K की तरफ से अयोध्या में जो है ये अपना 1 घंटे का 5 अक्टूबर को अपना डिस्प्ले दिखाएंगे।